नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। आज की वीडियो में बात करेंगे इटली के सीजनल पेपर क्लियर होने के बाद जब आप इटली में आ जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है आगे। सबसे पहले नौलवस्ता मिलने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ केस जो है आपको वो बीएफएस में सबमिट करवाना होता है। अपना प्रोसेसिंग टाइम लेने के बाद आपका वीजा क्लियर हो जाता है और टिकट करवा के जब आप इटली पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एम्प्लायर के पास काम करना चाहिए, बिकॉज जब आपका एम्प्लायर आपका मालिक आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसके बेस पर आप जो है अपनी पहली सुजोर्नो जो है 9 महीने वाली वो अप्लाई करते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि आपका जो एम्प्लायर है आपको स्टार्टिंग में उसी के पास काम करना चाहिए, बिकॉज एक नए एम्प्लायर को सर्च करने के लिए, ठीक है ना जी, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना मुश्किल है। अगर आप स्टार्टिंग में डील करके जाते हैं कि जिस एम्प्लायर के पास जा रहे हैं वही आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट देगा तो आपके लिए बेटर रहता है। जो ये पहली सुजोर्नो होती है, फर्स्ट सुजोर्नो मिलती है, वो 9 महीने के लिए वैलिड होती है, 9 महीने के लिए होती है। इसके लिए एक प्रोसेस ये होता है कि जब आपके 9 महीने कंप्लीट होते हैं तो आप अपनी होम कंट्री जो है वो वापिस आ जाए। जस्ट सेकंड वे ये होता है कि आप अपने एम्प्लायर अपने मालिक के साथ अच्छी बाउंडिंग बना लें, अच्छे रिलेशन उसके साथ बना लें। इसका फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपका एम्प्लायर आपकी 9 महीने वाली सुजोर्नो कंप्लीट होने से पहले ही आपको ओपन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स खुला कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देता है काम का, जिसके बाद आपको 9 महीने के बाद अपनी होम कंट्री जो भी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जहां से आप आ रहे हैं वहां जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको ओपन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको जो है 12 महीने वाली 1 साल वाली सुजोर्नो मिल जाती है। और ये प्रोसेस जो है वो ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे। एक तो आपको अपने एम्प्लायर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी होगी, अच्छा रिलेशन उसके साथ मेंटेन करना होगा। सेकंड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए इस कंट्री में जाके आपको, ठीक है ना। कोई ऐसे नहीं कि आप किसी फाइट के केस में या किसी भी, ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटी में फंस जाएं जिससे कि आपका जो है रिकॉर्ड वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह आप स्लोली स्लोली आप टैक्स पे करते हैं, आपका एम्प्लायर भी टैक्स पे करता है, तो आप यहां पर इटली में अपने पेपर जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये सवाल था कुछ व्यूअर का जो जानना चाहते थे कि सर हम इतने पैसे लगा के इटली आ रहे हैं, अगर हमें 9 महीने के बाद वापिस अपने देश आना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग पैसा जो है कर्जा लेके इधर उधर से अरेंज करके आते हैं। अगर उन्होंने ले ये 9 महीने बाद उनको अपने वापिस अपनी होम कंट्री में आना पड़ गया तो उनके पैसे 9 महीने में तो कवर नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हर एक के माइंड में रहता है। आपको ध्यान रखना है, आपको अपने एम्प्लायर के साथ बॉन्डिंग बना के रखनी है। इनकेस आपको वापिस अगर आना भी पड़ता है बाद में, तो आप अगर आपके रिलेशन जो है अपने एम्प्लायर के साथ अच्छे हैं तो आप दोबारा से उससे नौलवस्ता ले सकते हैं। आपकी एम्प्लायर के साथ बनी हुई है तो दोबारा जो आपने पहले एजेंट को मोटे पैसे दिए हुए हैं वो पैसे आपको देने की जरूरत नहीं होगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि 9 महीने वाले पेपर पर आके आगे आप, ठीक है ना जी, कैसे नेक्स्ट सुजोर्नो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप काम का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।